कोरोना के रोकथाम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद जिले में टीकाकरण को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 5 जनवरी को जिले के 6 सेंटरों सहित दिव्यापुर CSC में मंगलवार को 2 ग्रुप ए व बी ग्रुप बनाकर 25-25 लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राई रन यानी रिहर्सल किया गया। वहीं CMO और यहाँ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने दिव्यापुर CSC का निरीक्षण कर ट्रायल को सफल बनाने के लिए CSC अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव को दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में CSC अधीक्षक ने बताया कि वैक्सीन लगाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह एक तरह का अभ्यास होगा जिसमें टीकाकरण नहीं किया जाएगा लेकिन अन्य सभी प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी। कोल्ड चेन से दवा सेंटरों पर ले जाने, वहां वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के वेरिफिकेशन करने, वेटिंग रूम और ऑब्जर्वेशन रूम में बैठाने तक सभी कार्य किए गए हैं। इनमें वे लोग शामिल हो रहे हैं जिनका पहले चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण हुआ है। प्रत्येक सेंटर पर 25-25 लाभार्थी बुलाए गए हैं। दूसरे चरण में नगर पंचायत कर्मी व पुलिसकर्मी, तीसरे चरण में 50 साल के बाद के बुजुर्ग व 10 साल के बच्चों को लगेगी। इससे पूर्व बैठक में जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने CMO से वैक्सीन रखने एवं उसे सेंटर तक पहुंचाने के विषय में जानकारी ली थी, जिस पर CMO ने बताया कि मंडल स्तर पर वैक्सीन पहुंचते ही उसे जिला स्तर पर लाया जाएगा, उसके बाद उसे CSC स्तर पर भेजा जाएगा। वैक्सीन सेंटर तक पहुँचाने के लिए जिले में एक वैक्सीन वैन उपलब्ध है। साथ ही बताया कि जिन कक्षों में वैक्सीन रखी जाएगी वहां पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से ड्राई रन में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।